हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी गंजेपन और बालों के झड़ने से परेशान हैं? और इस उम्र में ही आप बहुत ज़्यादा उम्रदराज लग रहे हैं और इसके लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी सी होम रेमेडी जिसको लगाते ही आपके बाल फिर से वापस आ जाएंगे। बाल झड़ना आजकल एक आम बात हो गई है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से नॉर्मली आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए। बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण हमारा स्ट्रेस लेना भी है। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और वो झड़ जाते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं तो ये होम रेमेडी आपके लिए ही है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ एलोवेरा जेल। एलोवेरा लंबे समय से बालों की समस्याओं का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एलोवेरा बालों को बढ़ाने के लिए कारगर औषधि है। ये रूसी को कम कर सकता है और बालों के रोम को अनब्लॉक कर सकता है। आप प्रति सप्ताह कुछ समय के लिए शुद्ध एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। इसके बाद आप ऐसे शैम्पू कंडीशनर का उपयोग करें जिसमें एलोवेरा है। इसको यूज करने से आपके बाल हेल्दी होंगे, आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगी और आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो वापस आ जाएंगे और नए बाल निकल आएंगे। तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बालों को वापस लाएं। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये रेमेडी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बाल इतने ज़्यादा झड़ चुके होते हैं और हम गंजेपन का इतनी बुरी तरह से शिकार हो जाते हैं कि उसमें होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ भी एक हद तक ही काम करती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रॉपर परमानेंट सॉल्यूशन जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें त्वचा के विशेषज्ञ यानी कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डर्मोलॉजिकल सर्जन होते हैं, वो बालों को सिर के गंजे भाग पर ट्रांसप्लांट करते हैं। नॉर्मली सर्जन आपके सिर के पीछे के भाग से बाल लेकर उनको सामने या सिर के बीच वाले गंजे भाग में ट्रांसप्लांट करते हैं। सर्जन बालों का प्रत्यारोपण आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया के तहत अपने क्लिनिक में करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी अच्छी क्लिनिक जाएं, किसी एक्सपीरियंस्ड स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका स्लिट ग्राफ्ट और दूसरा होता है माइक्रोग्राफ्ट। ग्राफ्ट वास्तव में बालों की जड़ के जीवित ऊतक होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि सिर के गंजे भाग में भी बाल उग सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से किस प्रक्रिया को उपयोग किया जाए। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके बाल कितने घने हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फायदा ये है कि ये आपके लुक और आत्मविश्वास को बेहतर करेगा और आप में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन से लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। देखिए, जैसे कि जिन पुरुषों के सिर में गंजेपन की समस्या है वो, जिन महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या है, अगर किसी बाल में आप आग लग गई है या वो जल गए हैं या खोपड़ी में चोट लगने के कारण बाल नहीं हैं, तो ये जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऐसी महिलाएं जिनके पूरे सिर में बाल उड़ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पास ट्रांसप्लांट के लिए बाल लेने के लिए पर्याप्त बाल नहीं है यानी कि डोनर एरिया नहीं है, ऐसे लोग जिनके सिर पर किसी चोट या सर्जरी का निशान है या वो कोलाइट से परेशान हैं, ऐसे लोग जिनके बाल कीमोथेरेपी जैसे इलाज के कारण झड़ गए हैं, तो ऐसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं हैं। तो आप भी अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, क्योंकि ये वहाँ पर भी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप एडोरेबल हेयर एंड स्किन क्लिनिक जाएं, क्योंकि वहाँ के जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बेस्ट हैं और वो इसमें माहिर हैं। तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इसके अलावा आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 09711509028। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें।